नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे, हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान में चल रही सियासी कश्मकश अब खत्म हो गई है। पड़ोसी मुल्क में एक बार फिर वंशवादी पार्टियों का गठबंधन सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन ने सरकार बनाने के लिए गठजोड़ कर लिया है। शहबाज शरीफ एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुने गए हैं। उधर इन दोनों पार्टियों के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस गठबंधन को जनादेश चोर करार दिया है। इस चुनाव में पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 93 सीटों पर जीत दर्ज की है। पीटीआई भी अपनी सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान की कई छोटी पार्टियों के साथ गठजोड़ कर रही है। पीटीआई ने जेल में बंद इमरान खान का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो मैंडेट चोरी को लेकर बात कर रहे हैं। जो भी कोशिश करेगा आप कि पब्लिक के मैंडेट को चोरी कर। 10 दिनों तक चली बातचीत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सरकार बनाने के लिए फाइनल समझौते पर पहुंचे हैं। मंगलवार को पीएमएलएन के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास अब सरकार बनाने के लिए बहुमत है। 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद पाकिस्तान में किसी भी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया था। इसके बाद पाकिस्तान के सभी दल गठजोड़ के लिए जद्दोजहद में लग गए थे। हालांकि दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई आखिरी बातचीत बेनतीजा रही। अब दोनों पार्टियों ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए पावर शेयरिंग फार्मूले का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के पास बैठे पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ हमारी गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। अब पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मुआशी जमहूरी हमारे मुआशरे में जो तकसीम फैला हुआ है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा बिलावल ने बताया कि उनके पिता आसिफ अली जरदारी गठबंधन के राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ ने मीडिया को बताया कि हमारी गठबंधन सरकार में पीपीपी के अलावा कई छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इस गठबंधन के साथ पीएमएलएन अलायंस आराम से सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीएमएलएन के पास 79 सीट हैं, जबकि इस गठबंधन की दूसरी पार्टी पीपीपी के पास 54 सीटें हैं। बिलावल ने गठबंधन करने के लिए अपने पिता जरदारी को राष्ट्रपति बनाने की शर्त रखी थी।